नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। एक ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं, एक लाल रंग का ट्रैक्टर जिसके नीचे एक मोटरसाइकिल फंस चुकी है देख पा रहे हैं। और यहां पर ये हादसा होता है बता रहे हैं, एक चाय का खोखा था जिसमें ट्रैक्टर ने टक्कर जो है मारते हुए आगे आता है। और यहाँ पर फिलहाल एक बाइक खड़ी हुई थी और वो बाइक जो है वो नीचे ही ट्रैक्टर के फंस जाती है। और यहाँ पर मौके पर देख सकते हैं डायरेक्ट सुबारा की टीमें और पुलिस पहुंचे हुए हैं। ये किसका खोखा है ये कौन है, ये क्या नाम है भैया? लाडो है, राम लिया कुत्ते को बचा के था, कुत्ते को बचा बचा बता रहे हैं। ये ट्रैक्टर क्या कर रहा है? चला रहे थे तो हाँ, ट्रैक्टर कुत्ते को बचा के था, कुत्ते को बचा के था, उसको बचा दे ट्रैक्टर का ट्रेवर आ गया उससे। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी मौके पर आए हैं? ट्रैक्टर में तो अभी पहुंचे हैं जी, सूचना मिल रही है भाई, पुरानी अनाज मंडी में एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर का, तो अभी पहुंचे हैं, देखते हैं। अभी तो यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं जसविंदर जी पहुंचे हैं अभी और बता रहे हैं जो ये ट्रैक्टर है, ये एक जो खोखा है आप देख रहे हैं इसके अंदर टक्कर लगती है आप देख रहे हैं। और अभी फिलहाल जो मौके पर ड्राइवर है वो बता रहा है कि किसी कुत्ते को बचाते वक्त जो है उसने यहाँ पर टक्कर मारी और एक मोटरसाइकिल जो है फिलहाल इसके नीचे जो है वो आ जाती है। तो वो जो बाइक सवार है उसकी कैसी हालत है? पूरी 80 के स्पीड में आता था मैडम और आए सीधा यहाँ बिठा दिया, बाइक मैंने यहाँ खड़ी कर रखी थी। आपकी बाइक है ये? आपकी सर, मेरी मम्मी और मेरी बहन थी, हम तीनों बंदर बैठे होते, अरे पूरा स्पीड में आया और ठोक दिया जिसमें। आप तीनों ठीक है? हम तीनों ठीक है जी, क्योंकि पूरी नीचे जा चुकी है बाइक, साइड में खड़ी कर रखी थी हमने जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी हम सवार नहीं थे, बस बाइक में साइड में खड़ी कर रखी थी हमने। हाँ जी, तो ये क्या तेज चला के आ रहा था? हाँ जी, पूरी 80 का स्पीड में लेके आया था जी। हालांकि ये कह रहे हैं आगे बच्चा आ गया, वो मेरी मम्मी है जी, वो मेरी छोटी बहन थी जी, हम तीनों अंदर बैठे हुए थे। ड्रिंक कर रखी है? अब मेरे को तो पता नहीं जी क्या कर रखा है जी, ड्रिंक कर रखा है क्या कर रखा है मेरे को नहीं पता जी इस बार। और हम तीनों अंदर बैठे हुए थे, ये पूरा 80 का स्पीड आया। खोखा किसका है? वो खोखा खोखा यार जी मेरा पापा का जी। आपके 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 हाँ जी, आप खोखे पे बैठे थे जी सारे? क्या नाम है आपका? अशोक। कितने देर पहले हुआ? आधा घंटा। हाँ। कैसे हुआ यहाँ आपका? उस स्पीड में 80 की स्पीड में गाड़ी लाया, सीधा पार दिया, मोटरसाइकिल भी हमारे गाड़ी साइड में खड़ा है, मोटरसाइकिल पर भी चढ़ा दिया, चार बंदा में बैठे हैं। बारिश में किसी को चोट वगैरह तो नहीं? चोट तो नहीं लगा है, लेकिन नुकसान सारे चीज हो गए हमारे, हम गरीब आदमी। आपका भी नुकसान हुआ है? सारे नुकसान हो गए, कोई चीज रहा नहीं, नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टर है उसके नीचे ही, बता दें जो ट्रैक्टर है उसके नीचे आप देख पा रहे हैं जो ये बाइक है इस तरीके से फंस चुकी है। और अभी आसपास पुलिस भी है और मौके पर लोग भी हैं जिन्होंने बताया कि ट्रैक्टर जो चालक है वो ट्रैक्टर जो है वो तेज चला रहा था जिसके बाद सामने से आ रहा था। ये पुरानी अनाज मंडी है करनाल की जहाँ पर ये हादसा होता है और अभी फिलहाल जो कुछ ही देर पहले जो है ये हादसा हुआ, हालांकि किसी की जान माल की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप ये ट्रैक्टर ज़रूर देख पा रहे हैं जो कि लाल रंग का एक ट्रैक्टर जो कि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर है उसके। तो यहाँ पर फिलहाल सभी से निवेदन करेंगे, देख लीजिए किस तरीके से हादसे होते हैं और यहाँ पर जब अनदेखी की जाती है, जब तेज़ चलाया जाता है किसी व्हीकल को तो कैसे हादसे होते हैं यहाँ पर आप तस्वीरों में फिलहाल देख पा रहे हैं। और बता दें कि व्यक्ति से जब हमने बात करने की कोशिश की तो व्यक्ति जो है फिलहाल यही लग रहा था। हाँ, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, कुत्ते का बच्चा आ रहा वो सड़क सारे में लग रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ जी, हाँ झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मन खुला है अपना, शराब पी है तुमने, मन खुला है अपना, थोड़ा बत्तीस जा है। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि जो राजवीर सिंह है वो अभी फिलहाल व्यक्ति को यहाँ से ले जाने का जो है प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, पास की ही चौकी में लेकर जाया जाएगा और अभी चौकी लेकर जा रहे हैं, कार्रवाई करें। तो अभी फिलहाल उसे चौकी जो है पुलिस लेकर जा रही है और उसके बाद जो है फिलहाल ट्रैक्टर जो है उसके नीचे से अभी बाइक को निकालेंगे, बाइक जो है नीचे फंस चुकी है, डैमेज भी जरूर हुई है और फिलहाल जो ट्रैक्टर है उसे यहाँ से हटाया जो है ज़रूर जा रहा है। यहाँ पर बैठने के लिए लोगों के लिए एक सुविधा भी जो है आप देख सकते हैं वो बनी हुई थी और वो भी जो है उसमें टक्कर लगती है आप देख पा रहे हैं।
किस तरीके से, और यहाँ पर फिलहाल जो बाइक है वो नीचे की ओर आप देख रहे हैं फंसी पड़ी है। अभी से फिलहाल निकालने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। ट्रैक्टर जो है अभी यहाँ रास्ते में देख रहे हैं, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। पीछे जो खोखा है वो भी जो है फिलहाल वहाँ पर किस तरीके से उसका जो टेंट था उसे भी तोड़ दिया गया, और ट्रैक्टर को फिलहाल स्टार्ट जो है वो कर लिया गया है और फिलहाल उसे हटाया जाना है पीछे की ओर। जो बाइक है वो फिलहाल उसके नीचे है, ये देख लीजिए बाइक अभी फिलहाल नीचे है। और तो सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि कैसे जो फिलहाल ट्रैक्टर जो है उससे आगे से बाइक जो है फिलहाल निकालनी है। एक बाइक जो कि आप देख रहे हैं स्प्लेंडर बाइक, ये देख सकते हैं जो बाइक है, बाइक जो है वो नीचे फंसी हुई है। और तो आप देख रहे हैं कि जो बाइक है वो फिलहाल किस तरीके से नीचे फंसी पड़ी है, और उसे निकालने के लिए जो ट्रैक्टर है वो जितना भी पीछे कर रहे हैं वो बाइक उतनी ही ज़्यादा पीछे की ओर जा रही है। लोग प्रयास कर रहे हैं रास्ते को खोलने का कि किसी तरीके से बाइक को अब नीचे से ज़रूर निकाला जाए, और निवेदन सभी से करेंगे गलत तरीके से गाड़ी चलाने के बाद हादसे देख लीजिए कैसे होते हैं। हालांकि व्यक्ति की जान तो बच गई लेकिन नुकसान भी साथ में हुआ है और जान जा भी सकती थी। कुछ लोग भी यहां पर बैठे हुए थे और कैसे उन्होंने अपनी जान जो है वो फिलहाल बचाई है, लेकिन यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाइक है वो ट्रैक्टर के नीचे जो है वो फंस जाती है, और अभी फिलहाल उसे निकालने की कोशिश जो है फिलहाल ज़रूर जो है वो कर रहे हैं, और बाइक उतनी ही ज़्यादा जो है वो घसीट रही है जितनी ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं। तो बता दें कि ट्रैक्टर को उठाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं कि शायद बाइक जो है वो निकाली जा सके, लेकिन ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा भारी होता है, ताकि ट्रैक्टर को उठाने का जो प्रयास है वो फिलहाल किया जा रहा है किसी तरीके से। तो बाइक को फिलहाल निकालने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है, और मुश्किल ज़रूर आ रही है बाइक को निकालने के लिए। आप देख रहे हैं लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले बाइक को ज़रूर निकाला जा सके, लेकिन बाइक बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है, घसीट घसीट कर जो है उसे लोग नीचे से बाहर जो है फिलहाल निकाल रहे हैं। स्प्लेंडर बाइक जो है देख सकते हैं कि उसे फिलहाल बाहर जो है खींच खींच कर जो है वो निकाला जा रहा है, और सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे। आप देख लीजिए जो बाइक है फिलहाल उसे कोशिश कर रहे हैं लोग घसीटने की, बाहर खींचने के प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाइक को लगभग जो है बाहर निकाला जा चुका है, और जो ट्रैक्टर जो चालक था उसे फिलहाल पुलिस जो है वो नज़दीकी चौकी के अंदर जो है फिलहाल ज़रूर लेकर जा चुकी है। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, और गलत तरीके से कोई भी व्हीकल ना चलाएँ, क्योंकि जब इस तरीके से गलत तरीके से जब व्हीकल चलाई जाती हैं तो कैसे कैसे हादसे होते हैं, तो किस तरीके से हादसे होते हैं। अभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।